Hi guys, I am back with another video. तुम्हें क्या लगा कि मैं छोड़ दूंगी, मैं भूल जाऊंगी, मैं दोबारा YouTube पे नहीं आऊंगी after 15 days. But मैं आज वापस आई हूँ and it's all because of Prerna Srivastav, who is my best friend. और हम लोग काफ़ी टाइम से नहीं मिले, but she told me कि वो मेरी सारी videos देखती है, तो आज मैंने वीडियो बनाई है सिर्फ मेरे को मोटिवेशन मिला है तो उससे. You're listening Prerna, तेरी वजह से आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ. एंड वी आर प्लानिंग टू मीट टुडे, आज फ्राइडे है. सो और मैं लास्ट वन वीक से काफ़ी ज़्यादा बीमार थी. जैसे ही मैं गांव से वापस आई थी मैं बीमार हो गई थी, मुझे कोल्ड था, सो दैट्स वाई मेरी ये हालत है. सो आज मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ और आज मुझे मोटिवेशन आया क्योंकि मैंने लास्ट नाइट प्रेरणा से बात करी थी. सो या और आज मैं वीडियो बना रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ हर, और उसके लिए वीडियो मैंने डेडिकेट करा है. सो देखते हैं कि अभी वो मुझे कॉल करके बताएगी कि उसका क्या प्लान है. वो अभी ऑफिस में है, सो मैं उससे मिलने जाऊंगी शाम को मोस्ट प्रोबेबली, अगर हुआ तो. इफ़ नॉट देन देखते हैं कब जाते हैं, बट मुझे लग रहा है कि आज ही होगा. सो आई एम गोना गेट रेडी. मैं आज हेयर वॉश वगैरह करूँगी बिकॉज मैंने दो दिन से तेल लगाया है बालों में, और मैं देखती हूँ, डिसाइड करती हूँ क्या पहना और उसकी कॉल का वेट करती हूँ. सो प्रेरणा कॉल मी सून, आई वांट टू मीट यू. गाइज आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम हर, और वो मिलने के लिए उसने हाँ बोल दिया है. हाँ, मुझे पता था कि वो हाँ ही बोलेगी. तो आज शाम को 6 बजे मैं उससे मिल रही हूँ एंड आई विल सी यू देयर. अभी मैं जा रही हूँ, हेयर वॉश करूँगी, नहाऊँगी और अपनी बीमारी थोड़ी सी ठीक करूँगी बिकॉज आई नीड एनर्जी टू मीट हर, बिकॉज वी आर मीटिंग आफ्टर लाइक 2.5 years. या टू ईयर्स मोस्ट प्रॉब्ली, आई डोंट नो, या 2 years. सो या आई एम सो एक्साइटेड, फाइनली आई एम मीटिंग अ फ्रेंड. और ऐसी शक्ल तो लेके जा नहीं सकते, है ना प्रेरणा, है ना? ठीक है, आई विल सी यू देयर. तो मैं नहा चुकी हूँ, अब मुझे कपड़े निकालने हैं कि मैं आज क्या पहनूंगी. सबसे बड़ा क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में ये है और मुझे जल्दी करना पड़ेगा बिकॉज आई हैव ओनली 1 hour टू लीव. तो या लेट्स डू इट, आई एम सो एक्साइटेड. मैंने हेयर वॉश भी किया, मैंने नहा भी लिया, सो लेट्स गेट ड्रेस अप. यार मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं पहनूं क्या, प्लीज डोंट माइंड माय अलमीरा, मैं इसको साफ कर लूँगी आई प्रॉमिस. तो लेट्स ओ सामने ही पड़ा है. सो ये मेरा नया टी शर्ट है, मैंने द साउल स्टोर से लिया है, आज मैं ये पहनूंगी. दिस इज़ लाइक अ बेसिक क्रॉप ब्लैक टी शर्ट. सो या आज मैं इसका उद्घाटन करूंगी. सो या कि भाई, सो दिस वन आई एम गोना वेयर. तो आई एम थिंकिंग टू वेयर दिस कार्गो जीन्स जो मैंने H&M से ली थी, और उसके ऊपर ब्लैक वाला, ये बहुत कूल और क्लासी लगेगा. सो या एक बार पहन के दिखाती हूँ मैं. हाँ, क्योंकि मैं ना बहुत कंफ्यूज हूँ बिकॉज मेरे पास ना काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं. मैं ये ब्राउन भी पहन सकती हूँ उसके साथ, ये पहन सकती हूँ, एंड देन आई कैन ऑल्सो वेयर दिस वन. ये ब्लैक के साथ कितना अच्छा लगेगा. ये वाइट लेग ट्राउजर है और ये वाली टेलर पैंट पहन सकती हूँ इसके ब्लैक के साथ. सो एंड मेरे सबके साथ सूट करेगा. अब पहन के दिखाती हूँ, ठीक है, बाय. सो दिस इज द आउटफिट नंबर 1. सो ये ब्लैक के साथ मैंने ये कार्गो जीन्स पहनी है ना, ये मैंने अभी रिसेंटली ली थी. कैन यू सी माई वेट, सी मतलब मेरा वेट इतना पुट ऑन हो गया है कि मेरे को ये जीन्स फिट नहीं आ रही. और ये जीन्स पता है बैगी और लूज जीन्स थी. आई नीड टू वर्क आउट, आई स्वेयर आई नीड टू वर्क आउट. मैं कल से शुरू कर रही हूँ, बहुत हो गया, इनफ, दिस इज इनफ. आई कैन इवन ब्रीथ इन दिस, आई कॉन्ट ब्रीथ इन दिस. I need to work out. I am going to work out from tomorrow. It's decided. Outfit number 2. ठीक है, बट इतना कुछ खास नहीं लग रहा, बट बहुत कैजुअल सा है, कैजुअल ही है बट स्टिल आई डोंट नो. ऑप्शन नंबर 3, ये थोड़ा सा एक्चुअली बेटर है बिकॉज यू नो कलर कंट्रास्ट हो रहा है. आई डोंट नो, ये थोड़ा कोरियन बैगी टेलर्ड पैंट्स हैं, सो दिस इज लुकिंग बेटर फ्रॉम द लास्ट वन.
बट मेरे पास एक और है वो ट्राई करते हैं, देन आई विल डिसाइड। ओके, ये तो बंद भी नहीं हो रही है। यार, what is this? What is this? I need to work out. It's decided. कल से workout. ठीक है, 5 बजे या 6 बजे उठना है, workout. Okay. आई थिंक आई एम स्टिकिंग विद दिस वन, बस और ट्राई करने का टाइम नहीं है. सो आई एम गोइंग टू वेयर दीज शूज विद दिस आउटफिट. या इसके अंदर थोड़ा सा ब्राउन का हिंट है और ब्लैक है, सो साफ नहीं है जूते, लेकिन आई कैन वेयर इट. या दिस इज द फाइनल आउटफिट. मैंने ब्राउन पैंट्स पहनी है, अपने वाइट एडिडास शूज पहने हैं, ये ब्लैक टी शर्ट पहनी है, क्रॉप टी शर्ट, और मैंने एक स्वेटर जंपर ले लिया जस्ट इन केस अगर रात को ठंडी हो जाए. सो या, और मैंने प्रेरणा के लिए एक सुवेनियर लिया है जो मैं सिंगापुर से लाई थी, मेरे पास एक था. सो और हाँ, बैग आई एम कैरिंग बिकॉज यू नो थोड़ा पॉप ऑफ कलर होना चाहिए, और सिंस इट इज़ फॉल राइट नाउ तो दिस कलर इज़ वेरी ट्रेंडी. और मैंने रेड लिपस्टिक लगाई है, मैंने रेड लिपस्टिक लगाई है. मैं ना बहुत पहले जब मैंने जॉब स्टार्ट करी थी तो मैं रेड लिपस्टिक लगाती थी, और यू नो सबको ये बहुत पसंद थी, बट मैंने लगाना बंद कर दिया था बिकॉज मेरा कॉन्फिडेंस कम हो गया था, मुझे लगता था कि बहुत लाउड है. बट यू शुड ऑलवेज डू व्हाट यू फील लाइक. ओके, सो या, आज मैंने रेड लिपस्टिक लगाई है, मैंने ये बैग लिया है बर्गंडी, एंड आई नो मैं कोई फैशन इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, बट आई, दिस इज़ मी, आई एम बीइंग वेरी कम्फर्टेबल राइट नाउ. सो या, एंड वॉश पहनी है. सो या, दिस इज़ माई फिट फॉर द डे. लेट मी क्लिक अ पिक्चर. वेट, लेट मी जस्ट क्लिक अ पिक्चर. बाय. और मैं लेट हो गई हूँ, 5 बज गए हैं, सो आई सी यू देयर. बाय. थक गई हूँ, मतलब मेरे को इतना बुढ़ापा आ गया है कि मैं महीनों में एक बार बाहर जाती हूँ. मतलब इतने पास गई, इन दिल्ली मिलना था, हार्डली 40 मिनट्स का रास्ता था, मेट्रो से गई थी, और मेरे सारे, मेरे घुटनों में, मेरे कमर में, मेरे सर में, हर जगह दर्द हो रहा है. इस बुढ़ापा आ रहा है क्या? ऐसे कैसे बुढ़ापा आ सकता है? सो या, आई एम नाउ बैक, और मुझे आज बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई, जैसे कि मैं बूढ़ी हो रही हूँ. नहीं, मैं बूढ़ी नहीं हो रही हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, और मैं अभी जवान हूँ, और मैं हमेशा जवान रहूँगी. यस, बिलीव इट और नॉट, इट इज़ गोइंग टू हैपन. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे बुढ़ापा वाला वाइब्स आ रही है, फीलिंग हो रही है, बिक�ज मैं कहीं जाती नहीं, और मेरे को 2 मिनट में सांसें चढ़ना शुरू हो जाती है, और मेरा वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतना ज़्यादा बढ़ गया है.
मुझे कोई कपड़े नहीं आ रहे, सब टाइट हो रहे हैं। लुक एट दिस, लुक एट दिस। एक सैंडविच खाया होगा, एक सैंडविच लिटरली। सो या तो मैंने डिसाइड करा है कि कल से मैं 30 डेज का हार्ड चैलेंज करूँगी। पता नहीं, एकदम से तो मैं नहीं कर पाऊँगी, बट मैंने सोचा है कि पहले मैं स्टार्ट करूँगी जल्दी उठने से, बिकॉज मेरा मेन कंसर्न वो है। अगर मैं जल्दी उठ गई ना तो मैं कर लूँगी, बट मुझसे जल्दी नहीं उठा जा रहा। सो आई एम थिंकिंग ऑफ वेकिंग अप ऑन टाइम, टाइम ऑन टाइम, ऑन टाइम तो क्या, ऑन टाइम तो 10 बजे होता है, बट स्टिल आई एम थिंकिंग टू वेक अप एट 6 AM। लाइक मैं कल से शुरू करूँगी, कल से मैं 6 बजे उठूँगी, मैं योगा करूँगी। आई डोंट केयर कैसे, हाउ एंड या वट एवर, आई विल डू दैट, ट्रस्ट मी आई विल डू दैट। कल से मैं फेक इट टिल आई मेक इट वाला सीन करूँगी, जैसे मैंने व्लॉग्स के टाइम पे किया था, मैंने अपने को चैलेंज किया था एंड आई फाइनली डिड इट। सो आई एम गोना फेक इट टिल आई मेक इट। सो कल से मैं स्टार्ट करी अपना 30 डेज वाला हार्ड चैलेंज। हार्ड चैलेंज ये करने की ज़रूरत तो नहीं थी, बट ओके। सो या कल से मैं स्टार्ट करूँगी एंड देन आई विल अपडेट यू कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। आज मुझे बाहर जाके थोड़ा अच्छा लगा, जिससे मुझे ये पता लगता है कि मुझे बाहर जाना चाहिए। या आई शुड स्टार्ट सोशलाइजिंग टू पीपल। या दिस इज जस्ट आई वॉन्ट टू से आई एम गोइंग टू एंड दिस व्लॉग बिकॉज आई एम गोइंग टू चेंज। या आई नीड टू ब्रीद, माई स्टमक नीड्स टू ब्रीद। या यू सी दैट, इट वॉन्ट्स टू ब्रीद। सो आई हैव टू चेंज एंड आई सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। एंड इफ यू लाइक दिस व्लॉग, और मुझे लगा था कि ऑनेस्टली मैं कंटिन्यू नहीं करूँगी, आई डोंट नो, आई वॉज वेरी डाइसी, बट या प्रेरणा ने मेरे को मोटिवेशन दी, थैंक यू सो मच प्रेरणा। प्रेरणा ने एक दिन क्या, कल परसों मुझे कॉल पे बोला कि तेरे सारी वीडियोज़ मैं डाउनलोड करके देखती हूँ जब भी मैं ऑफिस से घर जाती हूँ। लाइक मैं प्रेरणा के लिए बनाऊँगी वीडियो। सो प्रेरणा, दिस इज़ फॉर यू, दिस वन इज़ फॉर यू, आई लव यू एंड थैंक यू फॉर बींग इन माई लाइफ एंड मोटिवेटिंग मी फॉर एवरीथिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ मी। सो बाय एंड आई विल सी माई नेक्स्ट व्लॉग। प्रेरणा कमेंट करना मत भूलियो। चल बाय।